और आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं वे किसी आर्किटेक्ट ने तैयार नहीं की है, न ही किसी ने पेंट की है, ये ऊपर वाले ने आप हेलो एवरीवन, आई एम विजय एंड वेलकम टू अश्विनी मार्वल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे चैनल पर मार्वल से रिलेटेड विभिन्न तरह की इंफॉर्मेशन आपको मकराना मार्वल के बारे में मिलती रहती है, तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है मकराना अल्बेटा क्वालिटी के ऊपर। मकराना अल्बेटा की स्लैब किस तरह से दिखती है, इसमें कौन कौन सी डिज़ाइन आती है और ये किस शेड में आती है, ग्रे, ब्राउन, वाइट, सभी तरह की हम आपको दिखाते हैं मकराना अल्बेटा किस तरह से आता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मकराना अल्बेटा स्लैब की डिज़ाइन है, जिसमें कुल 10 पीस का डिस्प्ले आपको डिज़ाइन दिखाने के लिए लगाया है। अगर बात करें इनकी साइज़ की, तो एक स्लैब है जो 6 फीट बाई 4 फीट की बड़ी साइज़ में है और 98 टोटल पीस है, और दूसरी वाली है वो 5 फीट बाई 4 फीट के 90 पीस हैं। इस तरह दोनों स्लैब का ब्लॉक मेजरमेंट करीब 4000 स्क्वायर फीट से प्लस है। और इनकी डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं किस तरह से दिखाई दे रही है, जब आपस में पीस नेक्स्ट से नेक्स्ट मिलते हैं तो इनका लुक बहुत ही शानदार लुक आता है। और इस स्लैब में 2000 स्क्वायर फीट प्लस मार्बल है एक स्लैब में, जो कि बहुत कम ही अल्बेटा की स्लैब में बड़ी स्लैब निकलती है। गॉड गिफ्टेड मटेरियल है और आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं वे किसी आर्किटेक्ट ने तैयार नहीं की है, न ही किसी ने पेंट की है, ये ऊपर वाले ने आपके घर की फ्लोरिंग के लिए पहले से तैयार करके ज़मीन में रखी हुई है। हमने केवल इसको कटिंग कराया है। डिज़ाइन नेचुरल जैसे ब्लॉक होते हैं, अलग अलग हर ब्लॉक की अलग अलग डिज़ाइन आती है। और ये खूबसूरत डिज़ाइन जिसमें वाइट के साथ ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में लाइनें बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रहा है उस टाइम शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं, और आप जो इसमें रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ये सन का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये लाइट लगाई हुई है उसका रिफ्लेक्शन है। और इस सनलाइट अभी नहीं है, इसके बावजूद इसकी वाइटनेस और डिज़ाइन बहुत ही शानदार लुक में दिखाई दे रही है। और हम आपको 360 डिग्री व्यू दिखाएंगे, हर एंगल से दिखाएंगे कि इसमें आगे डिज़ाइन लगेगी तो वो किस तरह से इसमें आगे डिज़ाइन बनती जाएगी। और आपको मैं बता दूं, जो 10 पीस का डिस्प्ले आप देख रहे हैं वे एक्चुअल में दो अलग अलग स्लैब का बनाया हुआ है। आपको हालांकि इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें जो फ़र्क है वह यह है कि इसमें जो 4 पीस की डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं उसमें फर्स्ट वाले 4 पीस की डिज़ाइन में थोड़ा ब्राउन पैटर्न ज़्यादा है, और जो नेक्स्ट 4 पीस है उसमें ब्राउन डिज़ाइन थोड़ी कम है। इस तरह ये अलग अलग स्लैब के पीस हैं और दोनों स्लैब में मिलाकर 3500 स्क्वायर फीट मटेरियल है, मतलब मार्बल फ्लोरिंग होगी इसकी, और मकराना मेजरमेंट 3500 स्क्वायर फीट के करीब इनमें मार्बल है। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो ओरिजिनल मकराना अल्बेटा स्लैब की प्लानिंग है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपके घर की खूबसूरती को बरसों बरस बहुत ही शानदार बनाए रखेगी। और मकराना मार्बल की खासियत है कि एक बार फिटिंग और पॉलिश होने के बाद इसकी शाइनिंग लॉन्ग लाइफ रहती है। और हाँ, जो अभी आपका इसका लुक देख रहे हैं वह ऑर्डिनरी लुक है, क्योंकि जब इसके नीचे वाइट सीमेंट लगेगी, फिक्सिंग होगी और 8 से 10 बार अलग अलग पॉलिश होगी, ग्रेनाइट पॉलिश और डायमंड पॉलिश होने के बाद इसकी लुकिंग और वाइटनेस 4 गुना और बढ़ जाएगी। इसकी डिज़ाइन जब नेक्स्ट मार्बल पीस लेफ्ट और राइट लगेंगे तो इसकी डिज़ाइन और बहुत ही अच्छी बनेगी और आपके घर की फ्लोरिंग को बहुत ही शानदार लुक देगी। अगर आपकी प्लानिंग है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मार्बल से रिलेटेड ऐसी नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।